सोशल मीडिया पे आने का कुछ डिसाइड नहीं किया, बिकॉज जब सोशल मीडिया था भी नहीं तब से ही नॉर्मली वीडियोस वगैरह बनाने का शौक था। डब स्मैश था बहुत पहले, तो डब स्मैश यूज़ करती थी, पर कभी इस तरह से पब्लिक अकाउंट ही बनाया। एक दफ़ा मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट पे एक अच्छी वीडियो बना के डाली और वो काफ़ी फेमस हो गई, तो वो मेरे फ्रेंड्स ने देखी और फिर मैंने सोचा यार 4-5 महीने बाद कि पब्लिक अकाउंट बनाया जाए, जब कुछ लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो और लोग कितना पसंद करें। तो बस ऐसे ही एक्सीडेंटली सोशल मीडिया। खौफ ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, इतने सारे खौफ ज़िंदगी में पाल रखे हैं तो इतना कोई ख़ास खौफ नहीं था, बस कहा गया यार चलो करते हैं और बस कर दिया। फैमिली स्टार्टिंग के डेज में, मतलब आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली, तो कंजर्वेटिव तो नहीं कह सकती क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में लोग हैं, बट चीज़ों को लेके थोड़ी प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, कस्टम्स, वो चीज़ें आ जाती हैं, तो वो था। लेकिन मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब एक फील्ड ही ऐसी चूज़ कर ली थी पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसके बाद आई थिंक कि उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। जब मैंने सोशल मीडिया पे अपना पब्लिक अकाउंट बनाया भी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाद में मैंने बता दी क्योंकि मैं घर की हुई सबसे बड़ी बेटी, तो वो कोई मसला है ही नहीं मेरे लिए। यार देखो, मैं तो बचपन से रही हूँ हेल्दी चाइल्ड, ठीक है, तो बचपन से ही ना बुली तो मुझे किया ही जा रहा था यार, मोटी, फिर हुई मैं पतली, फिर मोटी, तो ये चीज़ तो मुझे लाइफ में हमेशा सुनने को मिलती है यार ये वो, तो डिस्करेज करना कोई मुझे डिस्करेज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं खुद ठान लूँ ना कुछ करने की तो करके रहूँगी, और अगर नहीं ठानूँगी तो बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं ऐसी हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है, पर मेरी अम्मा का ज़रूर इरादा है, वो शादी करवा के छोड़ेंगी मेरी इस साल के एंड तक। यार ड्रीम बॉय, देखो हम किसी के बारे में ड्रीम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं ड्रीम रखूँगी वो एक्सपेक्टेशंस हुई नहीं पूरी, तो और इतनी बार तो टूटी है मेरी एक्सपेक्टेशंस, तो अब तो बस फिर नहीं सोचना बिल्कुल फजूल है। तो ड्रीम बॉय तो नहीं, बस ये है कि ऐसा बंदा हो जो मेरी फील्ड को समझ सके, और क्योंकि मैंने पढ़ा जो चीज़ है एटलीस्ट वो तो समझे। एक्चुअली द थिंग इज़ कि देखो, शादी से पहले तो सब लोग 1000 वादे करते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे, सब कुछ इजाज़त है, वो शादी के बाद कोई कैसे बदलता है आपको, आप वो मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ तो मैं प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकती कि शादी के बाद कोई मुझसे क्या पूछे क्या कहे, तो मैं क्यों अभी से ये चीज़ सोच के अपने जहन में स्ट्रेस पालूं, वैसे ज़िंदगी में कम स्ट्रेस है, जो अब ये सवाल पे भी सोच के मैं स्ट्रेस पालूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं स्क्रीन पर ही रहूँगी भाई, अगर चीज़ ठान ली है ना करने की तो करना है। हाँ, मैं थोड़ी सी हूँ फैमिली ओरिएंटेड टाइप की, मुझे है कि फैमिली ज़्यादा मैटर करती है, ट्रेडिशन, कस्टम्स और ये सब चीज़ें, तो वो जब शादी होगी तो वो मैं फिर ढाई से बाद उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखूँगी। सबसे मज़े की बात बताती हूँ, फुप्पो तो मेरी हैं पर वो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि हम उनसे मिलते तो हैं नहीं, ये तो मैंने ऑन स्क्रीन बोल दिया, मतलब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, तो यार अब जाहिर सी बात है वो तो एक इशू ही नहीं है। बाकी खाला वगैरह अगर हैं तो यार मुझे माशाल्लाह से मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है, मेरे खाला, मेरे चाचू ऑल्दो मुझे देख तो नहीं कह सकती, बट मुझे ये चीज़ थोड़ी बहुत ना मेरे ख़ानदान की साइड से मिली है, थोड़ा सा चुलबुलापन, एक्टिंग, तो वो सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है, कभी सुनने को नहीं मिली। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जैसे उरूबा 2 लाख रुपए कमा रही है महीने के, जो कि मुझे खुद नहीं पता मेरे कहाँ बैंक में जा रहे हैं, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन खैर है वो तो अब लाइफ का हिस्सा है। वो माफ़ कीजिएगा, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस घर में ज़रूर आइएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैंने शुरू ही सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू की थी, तो जब सोशल इश्यूज़ पे बनाना शुरू की थी तो
मतलब ये सीन था कि भाई सोशल इश्यूज़ थे तो मैं उसी से आगे बढ़ी, तो रीच में मैंने बिल्कुल सोशल इश्यूज़ पे बात करना छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि यार लोग ना जो चीज़ मैं करती थी वो चीज़ मैं कर नहीं रही हूँ, मैं किसी और तरफ ही जा रही हूँ और वो मेरा एक जॉनरा है ही नहीं। तो फिर मैंने वापस अपने आप को उस लेवल पर लाने के लिए मैंने सोशल इशूज़ पर बात करना शुरू किया और डोमेस्टिक वायलेंस भी बनाई। आपने डोमेस्टिक वायलेंस देखी आपने नीचे, वेमेन एम्पावरमेंट पे नहीं देखी आपने, चाइल्ड अब्यूज़ पे नहीं देखी आपने, चाइल्ड लेबर पे नहीं देखी आपने, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे मैंने बात की। और रिसेंटली मैं बहुत साल से ट्राई कर रही हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर के टॉपिक पे बात कर सकूँ, पर वो चीज़ होती है फिर रह जाती है, होती है फिर रह जाती है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल के एंड तक मैं ट्रांसजेंडर के इशू पर ज़रूर बात करूँ। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा बात यह है कि देखो हम लोग जो है ना ट्रांसजेंडर जो टर्म है पूरी, जैसे खुसरा हो गया, सॉरी टू से ये बात उर्दू में ख्वाजा सरा हो गया, हम इसको ऐसे गाली यूज़ करते हैं। किसी को अब्यूज़ करना होता है ना हम बोलते हैं अरे ये तो खुसरा है, अरे ये तो ये है। तो मैं कहती हूँ यार किसी भी जेंडर को ऐसा गाली मत यूज़ करो, मतलब वो भी रिस्पेक्ट के काबिल है। मतलब ऐसे यूज़ करो जैसे वो कोई गाली है, नहीं किसी को बुरा कहना है तो वो ट्रांसजेंडर है, अल्लाह ने बनाया है उन्हें भी। औरत को भी गाली के लिए यूज़ करना गलत है, मर्द को भी गाली के लिए यूज़ करना गलत है। और ट्रांसजेंडर तो यार उनके पास वैसी एक वो विचारे तो नहीं कह सकते आप, वैसे ही उनको किसी चीज़ पे नहीं लेके आ रहे और उन्हें एज अ टर्म गाली यूज़ कर रहे हो तो वो गलत है। बेसिकली ये मेरा मोटिव है। टीवी पे तो बचपन से आने का शौक था, बल्कि बचपन में बच्चों से रिलेटेड जो शोज़ वगैरह आते थे उनमें बहुत पहले मुझे याद है एक नंबर होता था 0900 करके, उस पर इतनी कॉल्स लगाई थी कि 10-12 हज़ार का तो बिल उस वक्त बन गया था, आज से कोई 10 साल पहले। तो उस वक्त ही एक शो में चली गई थी। टीवी पाने का बहुत पहले से ही शौक है, लेकिन अभी मुझे क्योंकि सोशल मीडिया बहुत है ना तो मुझे सोशल मीडिया पर काम करना है। यार जल्दी से कर दो ऑफ़र ताकि मैं कबूल करने के लिए कुछ सोचूं। मैं अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट या फिर एज एन आरजे परसू कर रही होती और तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है जो फील्ड है उसी में जाऊंगी और क्या करूंगी। मैं 2 रुपए भी नहीं कमाती, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है मैं कमाती हूँ टिकटॉक से तो नहीं, टिकटॉक से हम लोग सिर्फ फेम कमाते हैं, मगर जैसे कि आपको पता चल गया होगा मुझसे पहले वाले इंटरव्यू में कि समोसी ने बताया होगा हमना ने कि हमारे पाकिस्तान में लाइकी ऐप ऑफिशियल है तो हम लोग उसके मेंबर हैं, हम वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं और वहाँ से अर्न करते हैं। और कहना चाहिए माशाल्लाह से 1-1.5 साल बल्कि 2 साल हो चुके हैं और वो ऐप काफ़ी लोगों का मतलब काफ़ी लोगों को वो उन्होंने जो जॉबलेस लोग हैं जो जॉब कर भी रहे हैं उनको वो पैसे दे दिए वीडियोस बनाने के। तो ये चीज़ें बस वहीं से जो अर्निंग होती है वहाँ से ही होती है। मैं 4 साल से ना 4 साल तो नहीं पता नहीं कब से ये सुन रही हूँ कि टीवी बंद हो जाएगा, टीवी बंद नहीं हुआ, फिर मैंने सुना कि यार रेडियो बंद हो जाएगा, रेडियो बंद नहीं हुआ, अब मैं सुन रही हूँ सोशल मीडिया बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो सकता है? जो सोशल मीडिया गवर्नमेंट बना सकता है वो कभी बंद नहीं हो सकता। मैनेज करना देखो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, दिन भर सोती हूँ रात भर जागती हूँ, मजाक कर रही हूँ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, खाना बनाने को दे दो मैं बहुत मज़े से खाना बना लूँगी। तो मैं खाना खाने अच्छा मुझे देख के लगता है मैं मोटी हूँ, मैं खाती बहुत होंगी, मैं खाती हूँ और मैं बीमार पड़ जाती हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाने का, दूसरों को खाना खिलाने का, घर में इवेंट्स करने का बहुत शौक है। जैसे कि मैंने पहले बताया मुझे फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मुझे फैमिली को एक जगह मिला के रखने का ना बहुत शौक है, तो ये चीज़ है बस। तो ये चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता, ये मेरे खून में। यार आप मेरी फुफ्फो के पीछे पड़ गए, बताया तो आपको फुफ्फो, मैं अपनी खाला को बुलाऊंगी अपने न, क्योंकि मेरा साथ बचपन से मेरे ननियाल वालों ने दिया है और दिया है और अभी भी दे रहे हैं। और जहाँ तक है कि मैं अगर बुलाऊंगी मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं, उनको फ़ोन करूंगी बुलाऊंगी, माशाल्लाह एक कॉल पे हाज़िर हो जाएंगे बच्चों के साथ, कोई मसला नहीं है।
खाला भी हाजिर हो जाएंगी, बच्चे भी हाजिर होंगे, और मैं शायद इसीलिए मशहूर हूँ पूरे ख़ानदान में कि मैं सबको ना मतलब हर इवेंट पे इनवाइट करती हूँ, चाहे वो घर में कुरान खानी हो, मिलाद हो, या कोई फंक्शन हो, इवन अम्मा अब्बा की एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सब एक जगह जमा हो। कभी कभी मेरी अम्मा इरिटेट होती है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। इमरान अब्बास, अरिका हक, जन्नत, पर्क्स ऑफ बीइंग हिजाबी वर्सेस ईशा हुसैन, पर्क्स ऑफ बीइंग हिजाबी मेरी फेवरेट है। नुमान रिजवान या सल्तनत सिकंदर, नुमान रिजवान, आर यू टॉकिंग अबाउट जॉन्टी? हाँ वही। फूड वर्सेस शॉपिंग, पहले तो फूड था लेकिन आजकल शॉपिंग। फूड में बिरयानी वर्सेस पुलाव, पुलाव, आई एम नॉट अ बिरयानी लवर। शॉपिंग के लिए फेवरेट स्पॉट, बहुत सारे हैं लेकिन आजकल बीच ट्री। ऐसा एम्बैरेसिंग इवेंट, कोई ऐसी एम्बैरेसिंग हरकत पब्लिक पे जो आपने की हो? यार बहुत सारी हैं, रोज़ ही एम्बैरेसिंग हरकतें करती हूँ, बहुत सारी की हैं, बचपन में किए हैं। एक दफ़ा एक दोस्त को पत्थर मार के भाग गई थी और किसी और को फंसवा दिया था, और उसको बहुत पिटाई भी लगी और वो किसी को पता भी नहीं चला। कोई 10-15 साल बाद मैंने ये बात कन्फेस किया कि मैंने वो काम किया। माउंटेन्स, गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स और मीटअप विद योर लव, गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स। अच्छा, इस सवाल से एक और सवाल, चूँकि आपने कहा कि आपका साथ एक वो भी चुका एक बार, दिल विल टूटा, दिल विल, यार दिल किसका नहीं टूटता, आपका दिल नहीं टूटा? सबका दिल टूटता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार हो तो दिल टूटे, दिल दोस्ती में भी टूटता है, दिल हर चीज़ में टूटता है, दिल तो बना ही टूटने के लिए। पहली मोहब्बत आपको अगर हुई तो किससे हुई और कब हुई? पहली मोहब्बत, अच्छा ये सब मानते हैं पहली मोहब्बत नहीं, वो क्रश होता है जो सबको 9-10 क्लास में लाजमी होता है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो ये कह सके कि मैंने टीन एज में पहली मोहब्बत या वो पहली चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, तो वो सभी करते हैं, तो मैंने भी किया, तो कुछ गलत तो नहीं किया ना, बस एक क्रश था, मोहब्बत तो नहीं, बस वो एक छोटा सा क्रश था, लेकिन कभी मोहब्बत जैसी कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं है और ना ही होनी चाहिए सिवाय माँ बाप के। आई लव ट्रैवलिंग बट मुझे ट्रैवल सिकनेस बहुत होती है। तो कराची से बाहर कराची से बाहर बहुत दफ़ा किया है बट वही ट्रैवल सिकनेस की वजह से नहीं हो पाता, लेकिन इस्लामाबाद और सिंध पूरा आधे से ज़्यादा डिस्कवर किया है, तो बस एक ख्वाहिश जो पूरी करनी है। एक ख्वाहिश, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, बस आगे आप लोग खुद ही कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती हैं, और जब आप घर की बड़ी बेटी होती हैं तो आपकी सबसे बड़ी यही ख्वाहिश होती है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर सकें, तो बस यही ख्वाहिश है कि अपनी फैमिली को वो सब कुछ दे सकूं जो ना मिल पाया, इज्जत, वो मुकाम, वो प्यार, तो बस वही एक ख्वाहिश है। अपने बारे में आपने कोई ऐसा फनीएस्ट या बहुत सीधी बात, कोई रूमर ऐसा सुना? र्यूमर मैंने आपको पहले ही बताया था, एक र्यूमर था कि उरूबा महीने के 2 लाख रुपए कमाती है, तो यार ये चीज़ ना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और फिर खैर मुझे एहसास हुआ कि कमाना चाहिए महीने के 2 लाख रुपए, बस यही एक र्यूमर था जो मुझे सुन के थोड़ा अजीब लगा, महीने के 2 लाख रुपए आजकल कोई कंपनी का शायद CEO भी नहीं कमा सकेगा महीने के 2 लाख रुपये। फर्स्ट इम्प्रेशन, अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा सबसे पहले जो होता है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है लोगों के बारे में, और ये मेरे फ्रेंड्स भी मानते हैं, तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना वो सबसे पहले मैं बहुत, आपने बात करते हुए पता चलेगा मैं बहुत बबली हूँ, बहुत बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन ना मैं चुप हो जाती हूँ बिल्कुल सामने वाले के जब मिलूँगी, वो खामोशी से उसको पूरा जज कर लिया फेस से, उसके बाद जैसा वो फेस से मुझे लग रहा है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज कह रही है बस उसी के अकॉर्डिंग मैं उससे बात करूंगी, और वही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। हाथ को देखना, आँखों को देखना, लिप्स को देखना, वो मेरा बंदे को जज करने का पूरा एक है। एक आखिरी सवाल, आपकी फेवरेट जगह क्या है चिल करने के लिए फेवरेट जगह मेरे दोस्तों का घर है, और बस दोस्तों के घर छोड़ दो, अब वो लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, फैमिली की तरह हैं, और अपना खुद का घर भी, तो बस ये 3-4 जगह हैं जहाँ मैं चिल करती हूँ। देखो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपके पास एक पावर है सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रेज योर वॉइसेस,
आप आवाज़ बन सकते हो बहुत लोगों की। अगर आपके पास 1000 फॉलोअर्स भी हैं ना, 1000 छोड़ो 500 भी हैं, तो आप ये समझो कि आपके पास एक आवाज़ है, उस आवाज़ को उठाने की कोशिश करो। लोग आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं देखेंगे, ये देखने की बात तो छोड़ ही दो, फॉलोअर्स की तरफ जाना छोड़ दो, असल आवाज़ उठाना शुरू करो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं मगर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए। कंफर्ट लेवल से बाहर आके उन इश्यूज़ पे बात करना शुरू करो जिस पे कोई बोलता नहीं है। छोटे छोटे इश्यूज़ सब रेस करते हैं, मैं सच बताऊँ, रेप का इशू हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, सब बात करते हैं। वो इश्यूज़ पे बात करो जिस पे लोग बात करने से डरते हैं, चाहे वो फिर पॉलिटिक्स में कुछ गलत हो रहा हो या फिर आपके सराउंडिंग में। बात ज़रूर करो, बोलो ज़रूर, आवाज़ बनो लोगों।